सामान्य ट्रांसफार्मर जो कि लेमिनेटेड कोर के बने हुए होते हैं, जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, साइज में अधिक बड़े होते हैं। जैसे जैसे हम करंट की साइज बढ़ाते जाते हैं, उनकी साइज बढ़ती जाती है। यहाँ 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर की साइज ये है, 10 एम्पियर के ट्रांसफार्मर की साइज ये है। जब हम अधिक एम्पियर की धारा का प्रयोग करते हैं, यहाँ ये जो है 14 एम्पियर की धारा ये प्रदान कर सकता है, 24 वोल्ट डीसी पर 14 एम्पियर की धारा ये प्रदान कर सकता है। तो इसका जो ट्रांसफार्मर अगर हम देखें, तो इस ट्रांसफार्मर की साइज जो है वो ये इसकी साइज है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की साइज छोटी सी साइज है, जो कि 14 एम्पियर सप्लाई कर सकता है। ये फेराइट कोर का बना हुआ रहता है, SMPS ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं इसको। स्विच मोड पावर सप्लाई में जो आपके बिजली के कनेक्शन यहाँ से आते हैं L और N से, और यहाँ से प्लस और माइनस वोल्टेज वापस आउटपुट के लिए प्राप्त होते हैं, यहाँ से जो बिजली आती है वो फ्यूज और फिल्टर के द्वारा यहाँ रेक्टिफायर में आती है, इस जगह फिल्टर होती है, और फिर यहाँ पर दो स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगते हैं जो इस जगह हीट सिंक पे फिट हो जाते हैं, यहाँ हीट सिंक पे ये, और फिर वो जो स्विचिंग करके इसमें हाई फ्रिक्वेंसी का इनपुट देते हैं एसी का, और फिर उसके बाद में जो है यहाँ रेक्टिफायर लगे हुए हैं, और फिर फिल्टरिंग हो जाती है कैपेसिटर से और इंडक्टर के द्वारा फिल्टरिंग होके यहाँ से आउटपुट मिल जाती है। तो 14 एम्पियर के लिए ट्रांसफार्मर की साइज काफ़ी छोटी हो गई है। इसी तरीके से ये 10 एम्पियर के लिए सप्लाई है, यहाँ से मेन्स इनपुट दी जाती है 230 वोल्ट और यहाँ से आउटपुट प्राप्त होती है। इसमें भी जो है यहाँ से मेन्स आती है, फ्यूज लगा हुआ रहता है, यहाँ फिल्टर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर इस जगह लगता है, चार टर्मिनल है, और फिर कैपेसिटर पर फिल्टरिंग हो जाता है, और फिर इस जगह दो ट्रांसफार्मर लगते हैं, स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगते हैं, और स्विचिंग ट्रांजिस्टर के बाद में जो है ये SMPS ट्रांसफार्मर है। यहाँ से वोल्टेज स्टेप डाउन होते हैं, डायोड के द्वारा रेक्टिफिकेशन होता है, कॉयल जो है इंडक्टर का काम करती है फिल्टरिंग का, और कैपेसिटर फिल्टरिंग का काम करते हैं, और यहाँ से आउटपुट प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ हीट सिंक लगी हुई है, इस जगह जो है ये ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं जो स्विचिंग का काम करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसका ये पंखा जो है वो इसकी गर्मी बाहर निकालता है, अन्यथा ये पंखा बंद रहता है। ये जो SMPS सप्लाई है, इसका LT साइड में इतना अधिक करंट है कि हमारे को यहाँ पर जो है देख सकते हैं हम कॉपर की ब्रेडिंग प्रयोग की गई है, या 30 एम्पियर की आउटपुट हमें प्राप्त हो रही है 5 वोल्ट पर, और इसके लिए ट्रांसफार्मर जो है वो केवल इतनी छोटी साइज का ट्रांसफार्मर है। यहाँ से 230 वोल्ट इनपुट दिया जाता है, फिल्टरिंग होता है, डायोड पर डीसी बनती है, कैपेसिटर पर रेक्टिफिकेशन होता है, फिल्टरिंग होता है, यहाँ रेक्टिफिकेशन होता है और इस जगह फिल्टरिंग होता है, ट्रांजिस्टर पर स्विचिंग होता है, और एसी बनके ट्रांसफार्मर में आता है। LT साइड का जो
वोल्टेज है वो इंडक्टर के द्वारा और कैपेसिटर के द्वारा फिल्टरिंग हो जाता है। इस ट्रांसफार्मर की साइज, एसएमपीएस ट्रांसफार्मर की साइज छोटी होने का मुख्य कारण हाई फ्रिक्वेंसी। जब फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी जाती है तो एक्सएल का मान बढ़ जाता है, और एक्सएल का मान बढ़ने से उसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, इसलिए कम चक्कर में भी अच्छा इंडक्टेंस प्राप्त हो जाता है। इसी कारण जो है हम स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग करते हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर की साइज बहुत छोटी हो जाती है और कुल मिला के पावर सप्लाई का वजन बहुत ही कम हो जाता है। ये पावर सप्लाई काफ़ी हल्की पावर सप्लाई है, जबकि ये काफ़ी भारी ट्रांसफार्मर है। हम देखते हैं, इसी कारण आज कल हमारे मोबाइल के चार्जर जो हैं और लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि की जो सप्लाई है वो वजन में काफ़ी हल्की होती है। जो LCD मॉनिटर लगता है कंप्यूटर के साथ, उसकी जो सप्लाई है वो भी वजन में बहुत हल्की होती है।